वैसे तो कोयलांचल धनबाद में म्यूजियम नहीं है, लेकिन ठीक मेरे पीछे आप जिस मकान को देख पा रहे हैं यह म्यूजियम से कम भी नहीं है। यह मकान है धनबाद के रहने वाले अमरेंद्र आनंद जी का, जहां पर इन्होंने कई ऐसे सेगमेंट का रिसर्च किया है, कई ऐसे सेगमेंट इनके पास हैं जैसे कोड़ी से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, यानी कि कोड़ी से लेकर आज तक के जितने भी मुद्रा हुए हैं या कागजी नोट हुए हैं सभी इनके पास संग्रहित हैं। साथ ही साथ पुराने राजा महाराजाओं के समय में जिस प्रकार सम्मान दिया जाता था, जो मेडल दिए जाते थे, उनका संग्रह है। तमाम कई तरह की चीज़ें हैं इस म्यूजियम में। धनबाद में तो वैसे म्यूजियम नहीं है, यह इनका मकान है, लेकिन यह म्यूजियम से भी कम नहीं है। आइए हम अब अंदर चलते हैं और अंदर जाने के बाद आपको दिखाएंगे वो तमाम सारी चीज़ें, और अमरेंद्र आनंद जी से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इन सारी चीज़ों को देखने के बाद। अभी हम धनबाद ज़िले के अमरेंद्र आनंद जी के उस मकान में पहुंच गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यह म्यूजियम से कम नहीं है। यहां पर चारों तरफ आपको उन संग्रहित किए गए किताब दिखेंगे जिन्हें एक एल्बम में सजा कर रखा गया है अमरेंद्र आनंद जी के द्वारा। तमाम वो किताबें हैं, आप देख पा रहे हैं, एल्बम हैं ये 10 रुपीज़ की है, शुरू से लेकर के देश की आज़ादी के पहले से लेकर के इसमें 10 रुपये को दर्शाया गया है, वर्तमान तक के 10 रुपये इसमें मौजूद हैं। ये 1000 के एल्बम हैं, इसमें देश की आज़ादी के पहले से लेकर 1000 रुपये जब मोदी जी ने बंद किए उस दिन तक के रुपये इसमें हैं, उसके बाद 2000 के जो नोट हुए वह भी इसमें संग्रहित किए हुए हैं। उसी तरह भारतीय सिक्के जो हैं इसमें भी कई प्रकार की वॉल्यूम हैं, और तमाम अकबर, शेरशाह आदि जितने भी शासक रहे वहाँ से लेकर के आज तक के चलने वाले सिक्कों का जिक्र यहाँ पर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो संग्रहित किए हुए एल्बम हैं सभी को सजाकर यहाँ पर रखा गया है, और बहुत दूर दूर से, काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर इनके मकान में इन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं। इनके घर की बनावट ही ऐसी है जैसे लग रहा हो कि मानो शुरू से ही, बचपन से ही इनके ऊपर, अमरेंद्र आनंद जी के ऊपर इन चीज़ों को रिसर्च करने का जुनून सवार था। और जिस तरीके से मकान की बनावट भी की गई है, आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, यह शुरू से ही एक म्यूजियम के तौर पर इस मकान का निर्माण करना चाहते थे। चलिए, जो कागजी मुद्रा है, मुद्रा तो पहले हमने जो बात की वो एक मेटेलिक सेगमेंट था, इसके बाद आता है कागजी मुद्रा, जो आपसी समझ और विश्वास का सबसे शानदार नमूना है। 1880-85 के बीच में जब लेन देन चलने लगा लोगों में, तो ऐसा तय हुआ कि भाई एक मुद्रा बैंक निकाले, तो क्या होता था कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, लोगों ने अपना मुद्रा निकाला, कागजी मुद्रा, जिसपे 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये लिखे होते थे। अब सबसे बड़ी बात होती है उसकी ग्राहिता। ग्राहिता कैसे, आप इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1000 का नोट मोदी जी ने 2016 में डिमोटाइज कर दिया, आज की तारीख में उसका वैल्यू 0 है। तो ये जो 1000 रुपये का नोट है, ये बहुत पहले से था, और विक्टोरिया के ज़माने में भी 1000 के नोट छपे इंग्लैंड में। मेरे पास व्यक्तिगत तौर पे जॉर्ज VI रिजर्व बैंक बनने के बाद
जो पहला नोट 1000 का बना, उस जमाने में भारत में अंग्रेजों की ब्रिटिश राज था, जॉर्ज सिक्स यहाँ के किंग थे, इसलिए उस फोटो उस नोट पे जॉर्ज सिक्स का ही फोटो है। इसके बाद वो नोट को 1946 में डिमोनेटाइज कर दिया गया, यानी कि उसको प्रचलन से हटा दिया गया। हटा देने के बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय 1954 में बड़े नोटों के बारे में सोचा गया कि फिर से बड़े नोट चलाए जाएं। तो बड़े नोट में 1000, 5000 और 10000 तीन प्रकार के नोट का प्रचलन हुआ। 5000 और 10000 के भी नोट हुआ करते थे आज़ादी के बाद? हाँ, 5000 के भी नोट होते थे, 10000 के भी नोट। यह कब प्रचलन से खत्म हुआ? नहीं, वो भी प्रचलन से सेम था, मैंने 1978 को ही खत्म हो गया। लेकिन 5000 के नोट और 10000 के नोट प्रायः प्रचलन में नहीं आते थे, वो बैंक टू बैंक चलता था। या जो अति, चूँकि 5000 बहुत बड़ी रकम होती थी, तो अति समृद्ध व्यक्ति ही 5000 के नोटों का प्रयोग करता। तो संग्रह एक सिलसिला है, संग्रह एक जुनून है। संग्रह किन किन चीज़ों का संग्रह है आपके पास? एक्चुअली मैंने अपना एक म्यूजियम ही बना रखा है। अगर आप मेरे घर में आए हैं तो आते ही आपको लगा होगा कि ये म्यूजियम है, ये घर नहीं है, ये मेरा सेपरेट म्यूजियम है। ये इसमें दो तीन रूम है, अलग इसका अटैच लैट्रिन बाथरूम है। और संग्रह के सेगमेंट में, जैसे अभी आपसे थोड़ी देर पहले बात हुई सिक्कों का, जिसमें कौड़ी से क्रेडिट कार्ड तक का सफ़र चले, उसके बाद एक बात हुई करेंसी नोट का, जिसमें 1 रुपये से लेकर जो भी नोट अवेलेबल है वहाँ तक की बात चली। इसी सिलसिले में इससे हटके मेरा जो संग्रह है वो है मेडल्स पर। मेडल्स यानी कि जो लोग कभी लड़ाई होती थी, तो उस ज़माने में जब लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद में अपने सिपाहियों को, अपने अफसरों को सरकारें जो है मेडल देती थी, या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, कभी कभी क्या होता है, किसी को केसरे हिंद से, किसी को राय बहादुर से, किसी को राय साहब से नवाजती थी। ये क्या होता था कि एक प्रकार का टाइटल बैच होता था, जो कि उस आदमी को समारोह में सम्मानित करके दिया जाता था। तो मेरे पास इस सेगमेंट के बड़े ही विशाल संग्रह, मैंने विशाल कहने का मतलब ये है कि ये मेरा स्पेशलाइज्ड इलाका है मेडल का। अब रह गई बात कि संग्रह हो और टिकटों की बात ना चले, तो वो संग्रह ही बेकार है, क्योंकि संग्रह का शॉप का जो राजा है वो फिलाटेली है, और फिलाटेली एक ऐसा है जो गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, अपने औकात के मुताबिक वो करता रहता है। और कोई भी आदमी कुछ भी शौक पालता हो, लेकिन टिकट तो मेरे पास फिलाटेली पर भी बड़ा अच्छा संग्रह है। और भारत, और मैं चूँकि झारखंड में रहता हूँ, झारखंड में मेरे को राज्य स्तर पर भी गोल्ड मेडल मिल चुका है। मेरे को दो गोल्ड मेडल झारखंड सरकार की तरफ से, जब राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हुई है, उस प्रदर्शनी में मेरे को 2 गोल्ड 2 सिल्वर मिले हुए हैं। एक चीज़ तो सत्य है कि शाहजहाँ भी ताजमहल लेके नहीं गया। लाख प्यार से बनाया हो, लाख उसमें पूंजी लगाई हो, उसमें जो भी किया हो, लेकिन वो कहीं लेके नहीं। मैं चाहता हूं कि इसे एक म्यूजियम की तरह किया जाए। अगर आप टीवी चैनल पर ये बता पाने में, हमारी झारखंड सरकार को समझा पाने में आप सक्षम होते हैं कि अगर झारखंड सरकार मेरे को सपोर्ट करे, मेरे को कुछ आर्थिक मदद करे, तो हम पूरा का पूरा अपने 50 वर्ष के सफ़र को एक म्यूजियम में देने को तैयार है। ये मेरी दिली इच्छा है। यही धनबाद में ही आप म्यूजियम बनाने? चूँकि आप धनबाद ही मेरी कर्मभूमि रही, यहीं मैं पढ़ा लिखा, और मैं यहीं, मैं 40 साल तक भारतीय जीवन बीमा में नौकरी किया। तो अब क्या है, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो फिर अब धनबाद में होने से ही मेरे को संतोष मिलेगा। हालांकि अमरेंद्र आनंद जी का दिली इच्छा है कि झारखंड के इस धनबाद में उनका बचपन बीता है। उनके पिता जो थे वह सिंदरी में ड्यूटी करते थे, और अपने पिता से ही प्रेरित होकर उनसे चंद 2-4 तांबे के सिक्के वगैरह लेने के बाद इन्होंने जो है सो इस प्रकार की नींव कोयलांचल धनबाद में रखी है। इनकी दिली इच्छा है कि जिस झारखंड सरकार से इन्हें सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला है,
झारखंड सरकार इस म्यूजियम के बारे में सोचे और कोयलांचल धनबाद के किसी एक कोने में एक म्यूजियम का निर्माण करवा दे, इनकी दिल से यही इच्छा है। राजाराम पांडे, ईटीवी भारत, धनबाद।